दिवाली और दिवाली पे बनने वाला फरहाल फानी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यमी लगती है हमें ये चकलियाँ, और ये जितनी क्रिस्पी हो मज़ा उतना ज़्यादा आता है। तो इसको बनाएंगे हम आज चावल के आटे से। ये मेरे सासू माम की रेसिपी है। तो सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्ची और अदरक का बना लिया है पेस्ट। यहाँ अदरक के छिलके निकाल के मैं उसी कटिंग कर रही थी, और साथ ही साथ हरी मिर्ची मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब इनका अच्छी तरह से एकदम बारीक पेस्ट हम बना लेंगे। अब मैंने ले लिया है आटा और इसमें डाली है 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची। लगभग 1 किलो चावल के आटे का ये नाप है। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, और आपके हिसाब से आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तिली डाली है। अब हम डालेंगे इस पर थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हम आधे चम्मच से भी कम डाल रहे हैं। 1 बड़ी चम्मच हम इसमें कलौंजी डालेंगे। हाँ, जो प्याज के बीज होते हैं उसे कलौंजी कहते हैं, तो कलौंजी यहाँ डालेंगे जो टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। कलौंजी हर चीज़ के टेस्ट को बढ़ा देता है। और उसके बाद में हम इसमें हरी मिर्ची और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल रहे हैं। आप चाहे तो हरी मिर्ची अदरक के साथ में लहसुन भी पीस सकते हैं। हमें कुछ लहसुन का बनाना इतना खास पसंद नहीं है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तब अब इसका स्टार इंग्रेडिएंट जिसे कहेंगे हम, क्योंकि इसमें मोन का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए इसमें डालेंगे 1 बड़ा कटोरी फ्रेश मलाई। थोड़ी सी और ज़्यादा भी आप लोग डाल सकते हैं, हम लोगों को इतनी सफिशियंट लगी। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कटोरी दही, और इस सबको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब जो हमको डो बनाना है उसके लिए हम थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज़ करेंगे, जो मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडे पानी से भी नहीं उसनेंगे, तो एकदम गुनगुना टाइप पानी हम इसको उसन लेंगे। और इसका जो आटा रहेगा वो हम जो रोटी का आटा रहता है सिर्फ उसी तरह से उसनेंगे, ना ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा आपको कड़क उसनना है। तो बस अब आप इसको मिक्स करके रोटी के जैसा आटा उसन लीजिए। जब डो तैयार हो गया तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे और दूसरी तैयारियां करेंगे, जैसे कि कढ़ाई में तेल गरम रखना और अपना जो मशीन रहती है चकली बनाने की उसको निकाल के साफ़ कर लेना। उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये स्टार वाली जाली, तो उसको मैंने लगा दिया था पहले ही, मैं आपको दिखाना भूल गई। और अब इसमें मैंने इसे लंबे लंबे बना के इसके लोए डाले हैं, और इसको कर दूंगी मैं इस तरह से पैक। आप लोगों के पास हो सकता है वो गोल गोल घुमाने वाली हो, और हमारे पास ये प्रेस वाली है, तो सबके पास अलग अलग अपनी अपनी मशीनें होती हैं। ऐसा कुछ रहता नहीं है कि इससे ही अच्छी बनती है या उससे ही अच्छी बनती है। अगर आपका आटा व्यवस्थित और सही तरीके से उसनाया है तो किसी भी मशीन से आपकी चकली बहुत अच्छी बनेगी। धीरे धीरे एक पनी पर प्रेस कर इससे हम गोल गोल ऐसे चकलियाँ बना लेंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यदि आपसे कभी आड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, तो आसानी से वो उंगली से सही हो जाती है। और हाँ, इसके छोरों को चिपकाना ना भूलें, नहीं तो आपको डालते टाइम जब आप कढ़ाई में डालेंगे तब बहुत परेशानी होगी, और कुछ इस तरह से आपकी गोल गोल चकलियाँ यहाँ पर बन जाएगी। और फिर जब एक बार तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तब हम उस तेल में इन चकलियों को छोड़ देंगे। क्योंकि अब हमारा तेल काफ़ी गर्म हो गया है, तब हम एक एक करके इसमें चकलियों को डालना चालू करेंगे। और हाँ, एक बार जब आपकी पूरी चकलियाँ डल जाएं तब गैस की एकदम धीमी आंच कर दें, ताकि ये अंदर से भी कड़क कड़क क्रिस्पी सी हो सके। और जब एक बार ये थोड़ी सी
रेड रेड होना स्टार्ट हो जाए, हल्की सी कलर बदलेंगी ब्राउन गोल्डन से, तो तब आप इनको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। और सबसे पहले भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट।